जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बंदन में आज हम एक नया काम करने जा रहे हैं आज के दिन हम लोग क्लास टेंथ का सैम्पल पेपर करेंगे जिसमें कि आज जो हम इसमें देखेंगे मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स स्टैंडर्ड का ब्लाइंड सेक्शन के लिए जो पेपर आया था टू का उसको हम एक बार एनालाइज करेंगे आज की किस तरीके का पेपर आया था ठीक है तो आइए और एक चीज़ और है कि इसमें हम लोग जो चार सेक्शंस होते हैं हमारे उसको मैं चार सेक्शन को अलग-अलग करके दिखाऊंगा अलग-अलग उसकी वीडियो आएगी हर एक सेक्शन की तो आज हम करेंगे सबसे पहला सेक्शन सेक्शन ए जो है हमारा ठीक है तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि 10 थीटा 10 थीटा इज इक्वल टू कॉट 30 प्लस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा में थीटा की चार वैल्यू दे रखी है तो इसमें से हमें बताना है कि ठीठा की वैल्यू क्या बनेगी अगर एक कंडीशन में दे रखे तो अपने पास जो क्वेश्चन बन रहा है टेन थीठा इजिक्वल टू कॉट थर्टी प्लस ठीठा अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे वैसे तो ऑटो सिलेबस का है बट इसको हमें करना है तो कर सकते हैं जैसे जैसे कि मुझे टेन को कॉट में चेंज करना है टेन को कॉट में चेंज करना है कैसे चेंज करते हैं तो अगर हम लोग इसको ये लिख दें कॉट नाइन्टी माइनस ठीठा तो ये हमारा टेन से कॉर्ट में चेंज हो गया और इधर वाला एवरटीज लिखा जाएगा इस तरीके से दोनों तरफ के कॉर्ट कोट हम लोग काट सकते हैं अब जो क्वेश्चन हमारा बन गया वो बन गया नाइन्टी माइनस थीटा इज इक्वल टू थर्टी प्लस थीटा दोनों थीटा की तरफ एंगल दोनों की तरफ तो नाइन्टी माइनस थर्टी इज इक्वल टू टू थीटा ये हो गया हमारे पास सिक्सटी इज इक्वल टू टू थीटा मतलब कि थीटा की वैल्यू सिक्सटी अपॉइंट टू थर्टी डिग्री ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन उस तरीके से फिर सेकेंड क्वेश्चन देखें अगर सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास कि 147 डिवाइड करना है टू की पावर थ्री मल्टीप्लाई फाइव की पावर फोर मल्टीप्लाई थ्री की पावर वन मल्टीप्लाई सेवन की पावर टू ये चीज हमें दे रखी है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये टर्मिनेट होगा कितने डेसिमल के बाद ठीक है टर्मिनेट होगा कितने डेसिमल के बाद देखिए टर्मिनेट होगा हमको इससे पहले हमको ये चीज़ करना पड़ेगा क्या ये नंबर जो ऊपर जो हमें जो नंबर दे रखा है ये ये वाला नोमिनेटर नंबर क्या वो किसी डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है क्या किसी भी डिनोमिनेटर से हम डिवाइड कर देंगे पहले इसको तो मुझे सेवन इंटू सेवन का स्क्वायर दे रखा है फोर्टी नाइन तो मैं इसको एक सेवन से तो उसको मैं काट दूंगा ट्वेंटी वन बन जाएगा ठीक है फिर दोबारा अगर नेक्स्ट सेवन से काटूंगा तो थ्री बन जाएगा थ्री से थ्री गया कंप्लीट तो अब जो अपने पास बच जाएगा वो ये बचेगा कि वन अपॉन टू की पावर थ्री मल्टीप्लाई फाइव की पावर फोर इतना सा अपने पास फाइनल आंसर जो बचेगा अब हमें टर्मिनेट देखना है कि कितने डेसिमल के बाद आएगा सिंपल सा तरीका है टू या फाइव हम जानते हैं कि टू या फाइव में से कोई भी नंबर आए यही नंबर आना चाहिए टर्मिनेट बन जाता है तो जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स रहेगा मतलब कि इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो फाइव जो है मैक्सिमम टाइम है फोर टाइम्स और टू की पावर थ्री है मतलब टू की पावर टू जो है थ्री टाइम्स आएगा तो जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स है उतने बार वो आंसर उसका बनेगा उतनी उतनी डिजिट के बाद उसका डेसिमल बनेगा ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो फोर डेसिमल के बाद बन जाएगा फोर डेसिम फोर डेसिमल के बाद बन जाएगा मतलब कि सेकंड ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन का अपना ऑप्शन बन जाएगा सी उसी तरह से अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जरा तीसरा जो क्वेश्चन है वो हमें ये दे रखा है फोरवर्ड वैल्यू ऑफ ए विल द रिप लाइन्स रिप्रेजेंट बाई द इक्वेशन थ्री एक्स प्लस फोर वाई जीरो एंड नाइन एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी वी कि ये दो इक्वेशन हमें दे रखी है पहली इक्वेशन हमको दे रखी है थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टूवेल्व एंड नेक्स्ट इक्वेशन नाइन एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी इन ये दोनों लाइनें हमें पैरल दे रखी हैं और बोल रखे कि अगर ये पैरल हैं तो हमको ये बताना है कि इसमें जो ए की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी ए हमको ये दे रखा है बी के कंडीशन तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है हमको इसके लिए पैलर का कंडीशन पता होना चाहिए जो हमारा पैरल का कंडीशन होता है वो हमको पता होना चाहिए बिकॉज लाइन हमें पैरल दे रखी है तो पैर लाइन की जो कंडीशन होती है वो ये बनती है कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू होता है बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू हम लोग यहाँ से ए वन अपन ए टू निकालेंगे और बी वन अपॉन बी टू निकालेंगे बिकॉज दीज बोस आर इक्वल ओनली दीज आर इक्वल ठीक है तो यहाँ से हमको ए वन और ए टू ये मिल गया बी वन की वैल्यू ये और बी टू की वैल्यू ये मिल जाएगी वैल्यू डालते हैं जरा ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास ए वन अपॉन ए टू मतलब कि थ्री अपॉन नाइन इसको कट करेंगे जब डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन तीन अपने पास आंसर बन जाएगा इस तरीके से उसी तरह b1 upon b2 की वैल्यू क्या बन जाएगी फिर b1 upon b2 मतलब कि four upon a ठीक है हमको कंडीशन दे रखा है कि दोनों बराबर होंगी बराबर होंगी तो बराबर रख दीजिए बस इधर से आगे one upon three equal to four upon a हम लोग करेंगे इसका क्रॉस मल्टन जब इसका क्रॉस मल्प्लीकेशन दे तो ए को वन सेवन वन मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ गया ये इक्वल टू फोर को थ्री से करेंगे फोर थ्री या टूल्व तो यहाँ से ए की वैल्यू टूवेल्व आ जाएगी और हमारा इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन ए ऑप्शन इसका था करेक्ट आंसर बनेगा ठीक है अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हमारा फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन देखिए द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट एंड द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ फाइव विच इज़ लेस देन फोर्टी इज कि एक टू डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा सबसे पहले वो बताना है तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट अगर पूछा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर हमारा बनेगा क्या टेन बनेगा ठीक है अगला है द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ फाइव विच इज़ लेस देन फोर्टी फोर्टी से छोटा होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए फाइव का तो मल्टीपल ऑफ फाइव क्या बनेगा जो कि फोर्टी छोटा होगा तो थर्टी फाइव बनेगा ऑफिस चीज़ है दोनों का हमसे एच सी एफ पूछा जा रहा है दोनों का एफ सी एफ मतलब कि टेन और थर्टी फाइव का हमसे एड सी एफ जस्ट पूछा जा रहा है किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं एट सी एफ करने का सिंपल तरीका है दोनों को हम लोग अलग, अलग अलग फैक्टर कर देंगे ठीक है दोनों को अगर मैंने अलग अलग, अलग फैक्टर किया हमने दो से किया इसको पाँच आ गया फिर फाइव से किया वन आ गया ठीक है और थर्टी फाइव को करेंगे फाइव आया सेवन नीचे आएगा फिर सेवन से करेंगे वन आ गया तो इसका जो टेन का जो फैक्टर बनेगा अपने पास टू मल्टीप्लाई फाइव बन गया और थर्टी फाइव का जो फैक्टर बनेगा सेवन इंटू फाइव बन गया हमको इसमें एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है वो आएगी फाइव तो इसका जो आंसर होगा वो फाइव ही बन जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा सी यही क्यों आंसर आया क्योंकि जो दोनों में कॉमन रहता है उसी को हम लोग एफ कहते हैं तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था हमारा फोर्थ क्वेश्चन अब नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन देखिए जरा क्या दे रखा हमको फिफ्थ क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है कि गिवन इन द टेबल बिलो आर मार्क्स ऑप्टेन बाय द फिफ्थ स्टूडेंट इन द क्लास टेस्ट एक टेस्ट में इतने इतने बच्चों के मार्क्स हैं फ्रॉम दिज द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास मॉडल क्लास कौन सी होती है और उसका अपर लिमिट क्या पूछ क्या होगा वही पूछा जा रहा है बस हमसे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछ सक तो मॉडल क्लास कौन सी होती है मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो फ्रिक्वेंसी हाइस्ट फ्रिक्वेंसी जो बनेगी हमारी वो बनेगी मॉडल क्लास ठीक है तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी देखिए ट्वेंटी टू थर्टी की आ रही है ट्वेंटी टू थर्टी की हाई फ्रिक्वेंसी आ रही है मतलब ये हमारी ट्वेंटी टू थर्टी की बन गई हमारे पास मॉडल क्लास अब इसमें भी क्या पूछा गया था अपर लिमिट जस्ट तो अपर लिमिट क्या बन जाएगी हमारे पास ट्वेंटी ट्वेंटी हमारी इसकी अपन यूनिट बन जाएगी मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा ट्वेंटी ए ऑप्शन ठीक है इस तरीके से अब तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को क्वेश्चन नंबर हमारे पास सिक्स का दे रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स से द वैल्यू ऑफ सेक नाइन्टी वाइनस छिट्टा माइनस टेन थीटा इंटू कोट नाइन्टी वन थीटा इज इसकी वैल्यू क्या बनेगी तो क्वेश्चन हमारे पास सेक थी इंटू कोसेक नाइन्टी माइनस थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट नाइन्टी माइनस थीटा ये हमको इसकी वैल्यू दे रखी है मतलब क्वेश्चन दे रखा है ये अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के पेपर के लिए आउट ऑफ सिलेबस है ठीक है लेकिन आगे के लिए पेपर में आएगा तो सीख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है बस आ, कम नहीं होना चाहिए कोई भी सीख सीखने की चीज़ ज़्यादा वैसे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो सेक्ट थिट्टा क्या हो जाएगा सेक्ट ठिटा को हम लोग ऐसे ही एजटिज उतार देंगे ठीक है मल्टीप्लाई कौशेक नाइन्टी माइनस छिट्टा को क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉशेक नाइन्टी माइनस छिट्टा क्या होता है ये होता है हमारे पास सेक्ट ठिट्टा ही ठीक है माइनस टेन हिट्टा एजटिज उतर जाएगा अपने पास टेन थिट्टा को एज एजटिज उतार देंगे और कॉट नाइन्टी माइनस छिट्टा जो होता है ये भी टेन हिट्टा के बराबर ही इसको लिखा जाएगा तो अब जो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा सेक्स स्क्वायर थिट्टा मल्टीप्लाई सॉरी माइनस टेन स्क्वायर थीट और इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वेशन बन गई इसकी वैल्यू होती तो है डायरेक्ट वन तो इसका जो आंसर हो जाएगा पास सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ठीक है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए ए पॉइंट थ्री एंड माइनस टू एंड बी पॉइंट सिक्स एंड माइनस सेवन इंटरनली इन द रेश टू लाइज इन देंट इन कौन से क्वारेंट में ये लाइन करेगा तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर मैं ये लाइन बनाऊँ कि ए पॉइंट हमारे पास थ्री एंड माइनस टू बी पॉइंट हमारे पास सिक्स एंड सेवन अगर यहाँ पर एक लाइन इसको कट करती हुई जा रही है वो भी इंटरनली अगर इंटरनली लाइन कट करके जा रही है तो जहाँ पे कट कर रही है उसका मुझे पॉइंट की ये वैल्यू चाहिए और कौन से क्वारंट में चाहिए कौन से क्वारंट में काट रहा है वो हमें चाहिए तो अगर मैं इस क्वार को पी मान लूँ और मैंने मान लिया कोऑर्डिनेट को एक्स एंड वाई ठीक है हमको जो रेशियो दे रखा है थ्री रेशो टू दे रखा है तो इसको हम लोग लेंगे थ्री इसको लेंगे टू सेक्शन का क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि एक्स में क्या बनेगा सबसे पहले एक्स के लिए फॉर्मल लगाएंगे फिर वाई के लिए फॉर्मल लगाएंगे तो सबसे पहले अगर एक्स के फॉर्मूला लगाएं कि पी एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा सिंपल सा तरीका है क्या तरीका है? तरीका ये है कि हमको जो फॉर्मूला होता है वो चलो फॉर्मूला ले देते हैं हम लोग कि एम एक्स वन प्लस एन एक्स टू अपॉन में एम प्लस एन ये जो दोनों वैल्यू बनेगी ये वाली वैल्यू तो हमारे पास बनेगी एम और ये जो वैल्यू होती है एन की ठीक है ये वाली हमारे पास एक्स वन वाई वन है और ये वाली वैल्यू वा अपने पास एक्स टू वाई टू है ठीक है इतना चीज तो अपने पास एम एक्स वन पूछा जा रहा है एम की वैल्यू हो गई थ्री ठीक है और इधर आ जाएगी अपने सिक्स प्लस इधर बन गया अपने पास एन किलो टू और इन टू थ्री में एम प्लस एन है मतलब कि थ्री प्लस टू ठीक है सिक्स थ्री जहा एटीन हो गया प्लस सिक्स हो गया और ये फाइव हो गया एटीन प्लस सिक्स कितना हो गया ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव ये अपने पास एक्स की वैल्यू आ गई अब इसी तरह अपने को पी वाई की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी अगर हम लोग पी वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो फॉर्मूला वही चीज एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपन में एम प्लस एन ठीक है फॉमूला वही लगेगा सॉरी वाई के लिए था ना वाई के लिए लगाना है तो एम वाई वन प्लस एन वाई वाई वन यहाँ पे आएगा अपॉन में एम प्लस एन ठीक है अब जो वैल्यू रख दीजिए एम और एन की वैल्यू अपने को थ्री दे रखी है तो थ्री मल्टीप्लाई वाई टू की वैल्यू क्या दे रखी है देखिए सेवन दे रखी तो थ्री मल्टीप्लाई सेवन प्लस एन वैल्यू टू दे रखी थी और उधर से y1 की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास वो आ जाएगी माइनस का टू अपॉन में एम प्लस एन है मतलब कि थ्री प्लस टू जो फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी अब कितनी आ जाएगी थ्री मल्टीप्लाई सेवन ट्वेंटी वन माइनस फोर अपॉन में फाइव थ्री माइनस ट्वेंटी फोर हो गया सेवन ट्वेंटी वन माइनस फोर हो गया अपने पास सेवनटीन अपॉन फाइव 17 अपॉन फाइव मेरे पास वाई की वैल्यू आ गई मतलब कि पी एक्स वाई की जो वैल्यू बनेगी एक तो बन गई अपने पास ट्वेंटी फोर अपॉइंट फाइव और एक बन गई सेवेंटीन अपॉइंट फाइव दोनों ही जो वैल्यूज आई हैं दोनों के दोनों पॉजिटिव आई हैं और दोनों के दोनों पॉजिटिव का मतलब कौन से क्वारेंट में आ गई ये वैल्यू दोनों के दोनों हमारे पास फर्स्ट क्वारेंट में आ जाएंगे अपने पास फर्स्ट क्वारेंट में आ जाएंगे इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ए ऑप्शन करेक्ट है इसका ठीक है चलिए तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर एट अपने पास क्वेश्चन नंबर एट दे रखा है इफ एन एट्रा एंगल ए बी सी एंगल बी की वैल्यू अगर नाइन्टी डिग्री दे रखी है एक ट्रायंगल है ए बी सी ये हमने बना लिया ए बी सी ट्रैंगल बनाते हैं यहाँ पे ये अपने पास ए बन गया ये बी बन गया ये सी बन गया अपने को जो एंगल बी जो है ये नाइन्टी डिग्री का दे रखा है अपने से पूछा रहा है टेन ए प्लस सी की वैल्यू ए प्लस सी की वैल्यू पूछ रहा है टेन ए प्लस सी की सिंपल चीज़ें अगर ए प्लस सी की वैल्यू हम निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होनी ऊंची ट्वेंटी सम ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रैंगल्स का जो प्रॉपर्टी होता है तो अपने को ए और सी निकालना है वी की वैल्यू दे रखी नाइन्टी डिग्री तो एंगल ए प्लस नाइन्टी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी अपने पास वन एटी डिग्री तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू आ गई अपने पास कितना वन एटी माइनस नाइन्टी मतलब कि नाइन्टी डिग्री सिंपल साइज वैल्यू डाल दीजिए टेन ए प्लस सी की जगह मतलब की टेन नाइन्टी की जगह टेन नाइन्टी की, की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास वन जीरो होता है जीरो मतलब कि नॉट डिफाइंड इसका मतलब डी ऑप्शन इसका आंसर करेक्ट आंसर बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्वेश्चन नंबर नाइन दे रखा है कि इफ पी के अपॉन थ्री एंड थ्री इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए सेवन फाइव एंड बी माइनस थ्री वन देन द के की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछ जाए सिंपल सा क्वेश्चन जो पीछे हमने किया वैसा ही क्वेश्चन कुछ कुछ है देखिए क्वेश्चन कोई दे रखा है कि ए की वैल्यू दे रखी है बी की पॉइंट कोर्डिनेट दे रखे ए का जो कॉर्डिनेट दे रखा है सेवन एंड फाइव दे रखा है बी का जो कॉर्डिनेट दे रखा है माइनस थ्री एंड वन दे रखा है अपने को ये जो दे रखा है पी का जो कॉर्डिनेट दे रखा है ये हमको के अपॉन थ्री एंड थ्री दे रखा है ठीक है और ये मिड पॉइंट भी दे रखा है तो सेक्शन मिड पॉइंट का सिंपल सा एक फॉमूला बन जाता है कि हमको सबसे पहली बात तो x के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ओनली x के लिए फॉर्मूला क्योंकि k x के कोऑर्डिनेट में आ रहा है हमको y का कोऑर्डिनेट लगाना ही नहीं है तो पी एक्स का कोऑर्डिनेट वो भी मिड पॉइंट के लिए क्या बन जाएगा सिंपल सा फॉर्मूला x1 वन प्लस एक्स टू अपॉइन टू ठीक है पी एक्स में एक्स वालू क्या मतलब x, x कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है के अपॉन थ्री एक्स हो गया अपने पास सेवन और x2 की वैल्यू होगी अपने पास माइनस का थ्री अपॉन टू इसको ज़रा सॉल्व कर देंगे तो के अपॉन थ्री सेवन माइनस थ्री अपॉन टू मतलब कि फोर अपॉन टू और ये कट गया आ, आ गया अपने पास टू तो के अपॉन थ्री इज इक्वल टू टू मतलब कि के इज इक्वल टू सिक्स के की वैल्यू सिक्स आ गई मतलब कि इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इस तरीके से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बस हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं इनमें ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम लोग जल्दी से जल्दी इसको कर सकें क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं हम नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन में भी बोल रखे डिस्टेंस तो बिटवीन द पॉइंट्स दो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं और हमको जो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो पूछी जा रही है सिंपल सा क्वेश्चन है डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है इसका तो एक जो हमें वैल्यू जो दे रखी है एक है टू एंड माइनस थ्री और दूसरा जो कोऑर्डिनेट दे रखा है फाइव एंड वन की कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस फॉर्मूला का डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है ये बहुत बड़ी चीज़ है सबसे पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो ये पता होगा तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे नहीं तो नहीं बना पाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो ये चीज़ होती है डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा वो बनता है कि एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा इस तरीके से रूट ठीक है बस वैल्यू डाल दीजिए क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए एक्स टू की वैल्यू अपने पास फाइव माइनस एक्स वन की वैल्यू टू आ गया ये हो गया स्क्वायर प्लस वाई टू की वैल्यू वन माइनस और वाई वन की वैल्यू होगी माइनस का थ्री ये अपने पास स्क्वायर हो गया रूट डाल दीजिए फाइव माइनस टू का मतलब थ्री हो गया थ्री का स्क्वायर हो गया अपने पास मैं डायरेक्ट नहीं लिखता मैं एक बार लिख ही देता हूँ वन प्लस वन प्लस थ्री हो गया अपने पास फोर का स्क्वायर ठीक है तो इसकी वैल्यू नाइन प्लस सिक्सटीन मतलब कि रूट ओवर ट्वेंटी फाइव और इसकी वैल्यू आ जाएगी फाइव यूनिट मतलब कि इसका जो आंसर बन गया क्या बन गया हमारे पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बी ऑप्शन इस तरीके से सॉरी 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 बी ऑप्शन नॉट बी ऑप्शन नहीं है सॉरी इसका uh, इसका जो आंसर है मैंने ऊपर का देख लिया ऊपर वाले क्वेश्चन इसका आंसर डी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर इसी के एक और में भी क्वेश्चन दे रखा है और का जो क्वेश्चन अपने पास वो इस तरीके से है कि क्वेश्चन नंबर टेन का ही और पार्ट देखिए कि अपने को वही दो पॉइंट दे रखे हैं थ्री ए एंड फोर और वन इस बार मुझे डिस्टेंस दे रखा है दोनों की रूट दोनों के डिस्टेंस की वैल्यू मुझे रूट टेन दे रखी है हमको इस बार एक वैल्यू निकालना है फॉमूला वही लगेगा बस हमें वैल्यू डाल करके सॉल्व कर देना है फॉर्मूला वही लगाना है तो डिस्टेंस मतलब कि इसको मैं ए मान लूँ इसको बी मान लूँ तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी सर फॉमूला हमें पता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और उसके ऊपर फिर ओवर रूट ठीक है X2 की वैल्यू हो गया अपने पास फोर माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया वन माइनस ए का होल स्क्वायर और ये हो गया रूट अपने पास ये ए बी की वैल्यू अपने रखे रखना पड़ेगा रूट टेन ठीक है रूट टेन इधर भी आ जाएगा फोर माइनस थ्री का मतलब हो गया वन वन का स्क्वायर वन हो गया और इसका जो वैल्यू खोलेंगे तो ये आ गया अपने पास वन माइनस ए का फुल स्क्वायर इसको एज इट इज छोड़ दीजिए स्क्वायरिंग बोर्ड साइड लगा देंगे दोनों का रूट अपने पास कैंसिल हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट टेन का स्क्वायर करेंगे तो टेन आ गया और इस पूरे का जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट ऊपर से कट जाएगा वन प्लस वन माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा टेन में सेम वन जाएगा टेन माइनस नेक्स्ट जो स्टेप बनेगा वो ये बन जाएगा कि टेन माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस ए का होल स्क्वायर ये वैल्यू बन गया अपने पास नाइन इज इक्वल टू वन माइनस ए का होल स्क्वायर इसके बाद जो इसकी वैल्यू बन जाएगी वो प्लस माइनस थ्री इज इक्वल टू वन माइनस ए बन जाएगी अगर हम लोग एक बार एक की वैल्यू को थ्री लेके पुट करें थ्री लेके एक बार जस्ट प्लस थ्री तो माइनस ए बनेगी ठीक है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो थ्री माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ए और टू इज इक्वल टू माइनस ए मतलब कि ए की वैल्यू क्या आ गया अपने पास माइनस टू एक तो हो गया अपने पास माइनस टू लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम पे माइनस थ्री का भी यूज़ करेंगे हम लोग तो वन माइनस ए बन गया ठीक है माइनस थ्री माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ए माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस ए दोनों के माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ए की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी अपने पास फोर देखिए एक की वैल्यू माइनस टू भी आ सकती है की वैल्यू फोर भी आ सकती है लेकिन यहाँ पे माइनस टू तो है नहीं मतलब कि हमें फोर ऑप्शन लगाना पड़ेगा इसके हिसाब से, से इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से ठीक है अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने फिलअप दे रखा 11 है क्वेश्चन नंबर इलेवन टू फिफ्टीन क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन अपने पास कि find the ratio ऑफ the सम ऑफ the रूट्स एंड the प्रोडक्ट ऑफ the quadratic इक्वेशन इसका जो सम ऑफ द रूट आएगा एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट आएगा उन दोनों का रेशियो बताना है अपने को जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन वन इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से हमको तीन वैल्यू निकालनी है एक वैल्यू बतानी पड़ेगी बी की वैल्यू बतानी पड़ेगी एंड सी की वैल्यू बतानी ए की वैल्यू यहाँ से थ्री निकालेंगे बी की वैल्यू माइनस टू निकलेगी और सी की वैल्यू वन आ जाएगी फिर अपने पास जो सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए मतलब कि माइनस ये फॉर्मूला का माइनस और ये बी के माइनस का और अपॉन में थ्री इसके हिसाब से टू अपॉन थ्री बन गया ठीक है अगला जो इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ वो फॉमूला बनता है सी अपॉन ए सी अपॉन ए मतलब कि वन अपॉन थ्री डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया वन अपॉन थ्री अपने को रेशियो निकालना है रेशियो पहले बोला है सम और फिर बोला है सम ऑफ जीरो और फिर बोला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ठीक है तो सम ऑफ़ जीरो टू अपॉन थ्री वैल्यू रख दीजिए टू अपॉन थ्री और ऑफ जीरो हो गया वन अपॉन थ्री थ्री से थ्री कैंसिल आउट होगा थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो गया अपने पास आंसर बन जाएगा टू अपॉन वन मतलब कि इसमें आंसर आ जाएगा टू रेशियो वन का आंसर इस तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास वो क्वेश्चन इस तरीके का है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हमें ये दे रखा है कि द डायमीटर ऑफ द स्पेयर वो सरफेस एरिया सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन की एक स्पेयर है उसका सरफेस एरिया अपने को टी एस ए मतलब कि टी एस ए अपने को सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन बता दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर का ठीक है और हमको इसका डी पूछा गया है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है टी एस ए का फॉर्मूला पता होगा तो क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं टी एस ए का जो फॉर्मूला होता है फॉर स्पेयर वो होता है फोर पाई आर स्क्वायर ठीक है और हंड्रेड सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटीन इसके बराबर देंगे वैल्यू पुट कर दीजिए फोर इंटू पाई की वैल्यू ट्वेंटी आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग अब तो सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन इंटू सेवन अपॉइंट फोर इंटू ट्वेंटी टू आ गया ठीक है अब हम लोग इसको काटना स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे अगर हम लोग इसको काटेंगे डिवाइड करेंगे तो ग्यारह के टेबल में ये गया दो पर ये ग्यारह के टेबल में जाएगा फाइव और सिक्स पे फिर टू से इसको कट करेंगे जब हम लोग तो ये जाएगा हमारे पास टू और एट पे फोर की टेबल में गया सेवन पर आर स्क्वायर की जो वैल्यू बन जाएगी सेवन इंटू सेवन ठीक है और तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी इस बार आर की वैल्यू बन जाएगी रूट ओवर फोर्टी नाइन बट ये प्लस एंड माइनस दोनों में आएगा ठीक है और तो इसका आंसर जो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस सेवन सेंटीमीटर ले सकते हैं हम लोग ये भी जानते हैं कि रेडियस है लेंथ है लेंथ नेवर बीन इन नेगेटिव तो यहाँ से हम जो आर की वैल्यू लेंगे वो सेवन सेंटीमीटर को ही लेंगे सिर्फ लेकिन हमसे रेडियस नहीं पूछा कहते हमसे क्या पूछा क्या गया था डायमीटर डायमीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास डायमीटर की वैल्यू बन जाएगी टू आर ठीक है तो, तो टू इंटू सेवन मतलब कि फोर्टीन सेंटीमीटर की इसकी वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से क्वेश्चन था हमारा ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द ए पी सिक्स टेन फोर्टीन आर सिंपल सा क्वेश्चन है कि सिक्स टेन फोर्टीन का नेक्स्ट दो टर्म क्या आएगा नेक्स्ट और नेक्स्ट ठीक है यहाँ से अपने जो वैल्यू निकलेगी सबसे पहला टर्म क्या होता है ए की वैल्यू ए की वैल्यू सिक्स आ गई ए टू की वैल्यू एवन थी ए टू की वैल्यू आ गई टेन D का जो वैल्यू होता है फॉर्मूला होता है वो होता है ए टू माइनस ए वन मतलब कि टेन माइनस सिक्स वैल्यू आ गया अपने पास फोर हमसे ये जो वैल्यू पूछी जा रही है ये है कौन सा है ए वन ए टू ए थ्री और ये ए फोर हो गया ए फोर की वैल्यू पूछी जा रही है ए के फाइव की वैल्यू पूछी जाएगी ए फोर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास ए प्लस थ्री डी ए प्लस थ्री डी है ए की वैल्यू आगे अपने पास सिक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई D की वैल्यू आ गई अपने पास फोर सॉल्व कर दीजिए सिक्स थ्री फोर जाए ट्वेल्व और ट्वेल्व प्लस सिक्स कितना हो गया अपने पास एटीन आ गया उसी तरह ए फाइव की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस फोर डी ए प्लस फोर डी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास कि सिक्स प्लस फोर इन फोर तो सिक्सटीन प्लस सिक्स हो गया अपने पास ट्वेंटी टू ये अपने पास नेक्स्ट इसके दो टर्म्स जो थी हमारे पास आ चुकी है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई मारते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास फोर्टीन द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ऑफ द लार्जर सर्कल लार्जर ट्राइंगल इज सेवन ऑफ द अदर ट्राइंगल इज बहुत थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है बट डायरेक्ट क्वेश्चन है ये एक्साइज़ सॉरी थ्योरम सिक्स पॉइंट सिक्स जो क्वेश्चन है चैप्टर सिक्स का वो और इसका क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन उसी के थ्योरम के ऊपर है क्वेश्चन ये हमको दे रखा है कि एक जो ट्रायंगल है एक दूसरा ट्रायंगल है इन दोनों का हमको एरिया दे रखा है इसका एरिया दे रखा है टू टू फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया दे रखा है वन सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है जो बड़ा सर्कल है उसका एक साइड मुझे दे रखा है बड़ा सर्कल तो टू टू फाइव हो ऑब्वियसली बात है तो इसकी एक साइड मुझको मान लो सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर की दे है तो इसका कोरोस्पॉन्डिंग साइड हमें ये निकालनी है ठीक है डायरेक्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला ये होता है कि जो एरिया ऑफ इसको मान लीजिए ये ए है ये बी है ये सी है ये पी क्यू ये आर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का रेशियो रेशियो लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के और ये बराबर होगा किसके उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर स्क्वायर के बराबर ठीक है इस तरीके से तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपने को दे दिया मिल गया टू टू फाइव और यहाँ मिल गया अपने को वन सिक्सटी नाइन ए सी की वैल्यू मिल गई अपने पास सेवन पॉइंट फाइव और हमको पी आर की वैल्यू निकालनी है ठीक है देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो स्क्वायर है इधर जाके क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा मैंने डाल दिया टू टू फाइव अपॉन वन सिक्सटी नाइन रूट इज इक्वल टू सेवन पॉइंट फाइव अपॉन पी आर रूट हटेगा तो फिफ्टीन अपॉन थर्टीन आ गया सेवन पॉइंट फाइव अपॉन पी आर बन गया ठीक है सॉल्व कर देंगे क्रॉस मोटिकेशन कर देंगे तो फिफ्टीन पी आर इज इक्वल टू थर्टीन मल्टीप्लाई सेवन पॉइंट फाइव तो यहाँ से पी आर की वैल्यू आ जाएगी थर्टीन मल्टीप्लाई सेवन पॉइंट फाइव पॉइंट में फिफ्टी इसको जब हम कट करेंगे तो नीचे आ गया टू फाइनल आंसर बचेगा अपने पास थर्टीन पॉइंट टू मतलब कि पी आर की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर की यहाँ पे बन जाएगी चीज तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन था बढ़िया क्वेश्चन था लेंदी क्वेश्चन था बढ़िया ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन ही करना था अपने को अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन ट्राई मारते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कि कार्ड इज ड्रोन एट द रैंडम वेल शफल्ड कार्ड पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी डेट द ड्रोन ड्रोन कार्ड इज ना किंग अंग अ क्वीन कि मैंने एक कार्ड लिया फिफ्टी टू कार्ड्स उसके अंदर पहले से ही थे हमें ये बताना है कि उस कार्ड में से हम जो मैंने पत्ता निकाला तो वो ना तो किंग था और ना ही क्वीन था इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है तो देखिए किसी भी कार्ड के अंदर क्वीन और किंग चार चार होते हैं ठीक है चार चार होते हैं तो चार टोटल हो गए अपने पास तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी पॉसिबल इवेंट क्या बन जाएगी अपने पास पॉसिबल इवेंट बन जाएगी अपने पास फोर प्लस फोर मतलब कि एट ठीक है तो एट एट बन गया बट ये फिफ्टी टू में से माइनस होगा क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं तो फिफ्टी टू में से एट गया तो कितना हो जाएगा फोर्टी फोर ठीक है और टोटल इवेंट कितने हो गए अपने पास टोटल इवेंट कितने हो गए अपने पास 52 टू दो प्रोबल्टी निकाल देंगे बस प्रोबल्टी का फॉर्मूला होता है पॉसिबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट ठीक है तो पॉसिबल इवेंट में अपने पास 44 आ गया और टोटल इवेंट में फिफ्टी टू आ गया इसको बस अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे सॉल्व कर देंगे इसको ठीक है इस तरीके से अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका। क्वेश्चन देखिए, राइट द दे एफ ऑफ एच सी एफ निकालना है किसका एक्स की पावर थ्री वाई की पावर फोर z की पावर टू एंड x की पावर टू y की पावर थ्री z की पावर फाइव एफ सी एफ बताना है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत बहुत सिंपल सा एफ सी एफ का मतलब हो गया लोवेस्ट पावर उठानी है तीनों की लोवेस्ट पावर उठा दीजिए x में x टर्म है वेरिएबल दिख रहा है y टर्म दिख रहा है y वेरिएबल दिख रहा है z वेरिएबल दिख रहा है इन तीनों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है तो x में दोनों कंपेरिजन देखा जाए तो सबसे कम वेरिएबल टू पे दिख रहा है ठीक है y का देखा जाए तो y का भी थ्री दिख रहा है जड़ का देखा था टू दिख रहा है ये इसका आंसर गया बस खत्म कर <coughs> ये क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 देखिए इफ सी एक्स वाई एंड बी आर फोर कन्जीक्यूटिव टर्म्स ऑफ द ए पी देन फाइंड एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी कंजूटिव टर्म्स हैं सारे के सारी तो अपने को एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है बी और सी के टर्म्स में देखिए सबसे पहली वैल्यू सी है फिर एक्स है फिर वाई है फिर अपने पास बी तो जो वैल्यू बनेगी वो ये वाली वैल्यू अपने पास ए वन बन गई ये वाली वैल्यू ए टू बन गई ये वाली वैल्यू ए थ्री और बी की जो वैल्यू बनेगी वो ए फोर बन गई ठीक है ए वन को ही हम लोग ए बी कहते हैं तो अपने को अगर डी वैल्यू निकालना होगा तो ए टू माइनस ए वन निकलेगा ठीक है एक बार के लिए तो अपने को कह सकते हैं कि एक्स माइनस सी निकल गया उसी तरीके से दोबारा डी की वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग तो इस बार नेक्स्ट जो फॉर्मूला लगेगा a3- ए थ्री माइनस ए टू लग सकता है तो यहाँ से वाई माइनस एक्स समझ में आया दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे इस बार ए फोर माइनस ए थ्री में लगाएंगे इस बार तो यहाँ से जो फॉर्मूला अपने समझ में आएगा बी माइनस वाई का फॉर्मूला समझ आएगा ठीक है हमको x और y की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ b एंड c देखिए पहले सबसे पहले ले लीजिए x की वैल्यू को ठीक है तो किसी भी दो टर्म्स को उठा लीजिए उनको बराबर कर दीजिए देख लीजिए अगर मैं बीच वाले टर्म्स को उठाऊँगा तो इसके अंदर मुझे b की वैल्यू नहीं मिलेगी ठीक है यहाँ से मुझे b की वैल्यू तो अपने को मिलेगा नहीं ठीक है तो इसको हम लोग नहीं ले सकते हम लोग डायरेट वैल्यू किसको उठाएंगे फर्स्ट एंड द लास्ट हमको पता है किसी भी ए में डी कॉमन होता है सेम होता है तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए डी वन और डी थ्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए डी वन मस्ट बी इक्वल टू डी थ्री तो हम डायरेट कह सकते हैं एक्स माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस वाई यहाँ से जो हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी प्लस ये वैल्यू निकल जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई मारते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 जो हमको दे रखा है उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में हमको क्वेश्चन नंबर 18 में हमको ये दे रखा है कि एक फाइंड द वैल्यू ऑफ द के फॉर विच द क्वाडिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस हैज इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स के की वैल्यू बतानी अगर इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन हमें दे रखा है ये इक्वल रूट्स बना रहे हैं तो रियल एंड इक्वल रूट्स हम कोई चीज सर मैनी चाहिए पता रहनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कि रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए जो हमारी डी की वैल्यू होती है वो जीरो होनी चाहिए डी उसके लिए डी क्या होता है डी का फॉर्मूला होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो अपने पास एक की वैल्यू क्या बनेगी A की वैल्यू बनेगी के बी की वैल्यू बनेगा माइनस फाइव एंड सी की वैल्यू बनेगी के डाल दी इसके अंदर और वैल्यू रख दिया जीरो के बराबर डी वैल्यू हमको जीरो रख दिया बी की वैल्यू अपने पास माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर इंटू के इंटू के जीरो इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस फोर के स्क्वायर ठीक है यही ट्वेंटी फाइव को इधर लेके आएंगे तो माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू माइनस फोर के स्क्वायर दोनों तरफ से माइनस माइनस कट हो जाएंगे ठीक है तो ट्वेंटी फाइव अपॉइन्ट फोर इज इक्वल टू के स्क्वायर तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि के की जो वैल्यू आ जाएगी सॉरी जो के की जो वैल्यू आ जाएगी वो उधर जाके ट्वेंटी फाइव अपॉइन्ट फोर के ऊपर रूट आ जाएगा विथ प्लस एंड माइनस सैन तो के की वैल्यू क्या बन जाएगी प्लस माइनस साइन के साथ फाइव अपॉइन्ट टू ये अपने पास के की वैल्यू बन जाएगी और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर एटीन भी कंप्लीट हो जाएगा ठीक है अब देखते हैं आगे जो क्वेश्चन अपने पास रह गए उसको टाइम देखते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर ट्रेंगल इन विज द इन सच डैट एंगल एज थर्टी टू डिग्री एंगल आर इज इक्वल टू थर्टी फाइव डिग्री फैंड द मीजर ऑफ द एंगल बी और सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये एक ट्रैंगल है ए बी C, एक और ट्रायंगल है आर दोनों ट्रायंगल सिमिलर सिमिलर भी हैं तो हो गए हम लोग ये जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल हो तो उनके सारे के सारे एंगल्स जो होंगे आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर जाएंगे हमको ये वैल्यू दे रखी है कि एंगल ए की वैल्यू थर्टी डिग्री दे रखी है अपने को एंगल आर की वैल्यू सिक्सटी डिग्री दे रखी है अपने को ये वाली वैल्यू अगर ये सिमिलर ये सब कुछ सिमिलर है अगर तो हम लोग कह सकते हैं कि ए की वैल्यू ना बी के बराबर आ जाएगी एंगल बी की वैल्यू एंगल आर के बराबर और एंगल सी की वैल्यू एंगल क्यू के बराबर इस हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल सी की वैल्यू भी 65 डिग्री बन जाएगी अगर 65 डिग्री बन गई तो देख लो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया एंगल ट्रा ए बी सी में देख लीजिए ट्रा ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों की वैल्यू 180 डिग्री सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रैंगल लगेगा एंगल ए की वैल्यू 32 टू बी की वैल्यू हमको निकालनी है और ये बन गए सिक्सटी फाइव इज इक्वल टू वन एटी इज इक्वल टू वन डिग्री ठीक है दोनों कर दीजिए प्लस तो सेवन और ये हो गया नंबर नाइन्टी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू वन डिग्री यहाँ से एंगल बी की वैल्यू बन जाएगी अपने अपने पास 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 तो ये बन पास, 80, 3D, ये बन गया गया सॉल्यूशन आ इसका ठीक है लास्ट क्वेश्चन जो अपने पास रह गया वो है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी को एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ द पॉइंट ए अ डिस्टेंस ऑफ फाइव सेंटीमीटर सर्कल इज फोर सेंटीमीटर सर्कल ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक ये ये सर्कल दे रखा है अपने को सर्कल का सेंटर हो गया यहाँ से एक लाइन खींची जा रही है ये लाइन इस तरीके से खींची गई है और ये सेंटर से जाके मिल गया ठीक है ये हमने मान लिया ओ ये हमने मान लिया ए सॉरी ए ये था और इधर जो हमें ये जो पॉइंट हमने मान लिया इसको हमने मान लिया बी लेंथ और टेंजेंट हमको दे रखा है फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर दे रखा है तो ये हमारी वैल्यू बन गई फाइव सेंटीमीटर की और जो टेंजेंट की जो लेंथ दे रखी है वो अपने को दे रखी है फोर सेंटीमीटर का को इस रेडियस की वैल्यू निकालनी है ठीक है देखिए हम ये जानते हैं कि जब भी कोई टें सर्कल से कोई पॉइंट टेंजेंट पर डलता है तो वहाँ पर एक नाइन्टी डिग्री बनाता है वो क्रिएट करता है नाइन्टी डिग्री यहाँ पर यह नाइन्टी डिग्री बनेगा नाइन डिग्री के सामने हाईपोर्ट आ गया मतलब ये एच की वैल्यू बन गई इसको वैल्यू को हम नक्ट कर लेंगे पी की वैल्यू और आर की वैल्यू अपने को लेट कर जाएंगे बी की वैल्यू यहाँ लिख जाएगा ट्राइंगल देख लीजिए ट्राइंगल है ओ ए बी जो ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो उसकी जो हाईपोट फाइव जो फॉमुला लगा देंगे हम लोग तो एच स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच की वैल्यू होगी ना फाइव का स्क्वायर पी की वैल्यू हो गया फोर का स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर फोर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर हो गया ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू सिक्सटीन प्लस बी का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू बी स्क्वायर और ये बन गया हमारे पास नाइन इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब कि बी स्क्वायर की वैल्यू नाइन सो बी की वैल्यू आ गई अपने पास प्लस माइनस थ्री बट बी कभी भी, भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम लोग कह सकते हैं कि बी की वैल्यू आ गई थ्री सेंटीमीटर एक और इसका जो और में क्वेश्चन है उसको देख लीजिए एक और लास्ट क्वेश्चन अपने पास जो बच गया इसका ठीक है इसी का जो और पार्ट है वो दे रखा है कि विद टेंट पी एंड पी भी थोड़ा सेंटर एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ ये अपने पास एक सर्कल सेंटर, है इसका सेंटर ओ बन गया और इधर जो हमारे दो टेंजेंट दे रखे हैं ये पॉइंट पी है यहाँ पर ए बना रहा है यहाँ पर बी बना रहा है ठीक है थीके? इनक्लाइंट दोनों दे रखे हैं वैल्यू ये वाली 80 डिग्री पे इनक्लाइंट है तो हमको देन द वैल्यू ऑफ पी ओ ए हमको जस्ट निकालना है पी ओ ए की वैल्यू ठीक है इस तरीके से देखिए इसको करने का सिंपल तरीका है हमने अभी भी ऊपर के क्वेश्चन में देखा जो उसका पहला जो क्वेश्चन था कि सेंटर से जब भी कोई लाइन पर डलेगी रेडियस जब वो 90 डिग्री बनाता है तो 90 डिग्री बन गया ठीक है और और हम ये भी कह कह सकते हैं कि जब ये सेंटर जब किसी टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट को काटेगा तो उसको बाइसटर बना देगा मतलब ये एंगल आधे आधे में बढ़ जाएगा तो एटी का आधा क्या हो जाएगा फोर्टी डिग्री तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको कि अपने को एक तो मिल गया एंगल ओ ए पी की वैल्यू मिल गई अपने पास नाइन्टी डिग्री की और अपने पास जो दूसरी वैल्यू मिल गई ओ पी ए की वैल्यू मिल गई वो 80 का हाफ बन जाएगा फोर्टी डिग्री ठीक है तो इन ट्रायंगल पी ओ ए ठीक है एंगल ए प्लस एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी, प्लस एंगल पी ए सॉरी ओ पी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री आना चाहिए एंगल ए के वाले अपने पास 90 डिग्री मिल गया ए ओ पी मुझे निकालना ही है प्लस ओ पी ए अपने पास 40 डिग्री आ गया सॉल्व कर दीजिए 90 प्लस 40 हो गया अपने पास 130 डिग्री बन गया प्लस एंगल ए पी वन डिग्री और यहाँ से ए पी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 180 एटी माइनस वन डिग्री तो अपने पास 50 डिग्री की वैल्यू आ गई तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा सेक्शन ए यहाँ पर कंप्लीट होता है आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन और समझ में भी आया होगा अगर फिर भी कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने एक आ, क्लास टेंथ के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है ठीक है उसका आ, उस कोर्स के अंदर हम लोग एन को आ, पूरा कंप्लीट एक बार रिविज़न मारेंगे रिविज़न करके फिर उसको हम लोग ईयर के जो तो क्वेश्चन होते हैं आपके जो डाउट्स होंगे बिल्कुल एग्जाम तक जो आपके मैथ्स के लिए जस्ट जस्टिंग तो जो भी डाउट्स हैं किसी भी चैप्टर से कोई भी कोई भी बुक से कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास होगी इसकी अगर आप एक मार्च से पहले इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा ठीक है उसमें एक नंबर दे रखा है तो नंबर पे आप कॉल करके ये पूछ सकते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट जो इसका सेक्शन सेक्शन बी जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका ठीक है तो आज के लिए इतना ही जय हिंद धन्यवाद थैंक यू